नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हत्यारों की गिरफ्तारी न किए जाने पर सब समाज हिताया मोर्चा के साथ पीड़ित परिवार मिला पुलिस अधीक्षक से सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, आज सर्व समाज हिताय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद नबी आजाद के साथ पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक शाहजहानपुर से मिलकर अवगत कराया कि थाना कांट क्षेत्र के ग्राम बरुआ बुजुर्ग में पूर्व 24 नवंबर 2022 को दिन के लगभग दोपहर 3 बजे ग्राम निवासी हरिओम की पुत्री कुमारी पुष्पा की निर्मम हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। लगभग सवा महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक उपरोक्त घटना का खुलासा ना होना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। सर्व समाज हित में मोर्चा के नबी आजाद ने कहा कि जनहित एवं न्याय हिस्से में मांग कर उपरोक्त घटना का तत्काल खुलासा एवं हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए तथा जो उपरोक्त घटना में दोषी हो उन्हीं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, निर्दोषों को बेवजह परेशान किया जाए और ना ही फंसाया जाए। निर्दोषों को बेवजह परेशान ना किया जाए और ना ही फंसाया जाए। अगर हत्यारों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़िता के परिवार के साथ उग्र जन आंदोलन भूख हड़ताल आज करने को विवश होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन शासन की होगी। संवाददाता योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट। नवी भाई, क्या मामला, किस मामले का आप एसपी साहब मिलने आए थे आज? देखिए, ये कांट थाना क्षेत्र के ग्राम बरुआ बुजुर्ग का मामला है, जहां 24 ग्यारह 2022 को जो है एक ये हरिओम है, इनकी नाबालिग बेटी का जो है हत्या निर्मम हत्या कर दी गई थी और शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। आज सवा महीना बीतने के बावजूद भी ना तो हत्या का खुलासा हुआ, ना ही कोई आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रिय सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पे चल रही है। आज ये सवा महीना हो गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक इस घटना का पर्दाफाश नहीं किया है, ये आप में ही एक सवाल खड़ा करता है और योगी जी का जो मिशन है उस मिशन को धता बता करके ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ कप्तान साहब से मिले आकर के उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा भी है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका खुलासा भी करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ मांग की है कि अगर जो एक सप्ताह के अंदर इस घटना का खुलासा ना किया तो हम लोग आंदोलन उग्र जन आंदोलन के लिए न्याय हित में करने के लिए बाध्य होंगे और हो सकता है हम लोग लखनऊ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी न्याय यात्रा यहाँ पद यात्रा शाहजहांपुर से लखनऊ तक ले जाकर के उनको अवगत कराएं और यहाँ पर कार्रवाई कराएं ताकि जो है ये पीड़ित परिवार, क्योंकि शोषित वांछितों और पीड़ितों का ही सर्व समाज हिताय मोर्चा हमेशा डटकर मुकाबला करता है उनका और न्याय दिलाने का काम करता है।